दोस्तों मोटोरोला ने यूरोपियन कंट्रीज में अपने एक और नया स्मार्टफोन मोटो S30 नियो को लॉन्च कर दिया है और ऐसा बोला जा रहा है कि ये स्मार्टफोन जी आपको इंडियन मार्केट में बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है, मतलब 5 से 6 दिन के अंदर ये स्मार्टफोन भी आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगा, ऐसा लीक्स की माने तो दोस्तों आज की इस वीडियो में स्पेशली बात करने जा रहा हूँ मोटो S30 नियो के बारे में कि आखिरकार इसके स्पेसिफिकेशन हमें क्या कुछ देखने को मिलने वाली है, यूरोपियन कंट्रीज में इसकी क्या प्राइसिंग रखी गई है, इंडियन मार्केट में ये स्मार्टफोन कब तक आएगा तो उसकी क्या प्राइसिंग होगी। इन टोटल आज की इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं मोटो S30 नियो से रिगार्डिंग, तो बस वीडियो में तक जुड़े रहिएगा। सो हाय गाइस, मैं सौरभ, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। सो दोस्तों चलिए सबसे पहले मैं आपसे यहां पे मोटो S30 नियो के जो है स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेता हूं। तो दोस्तों यहां पे जो आपको 6.28 इंच का फुल एचडी प्लस वाला ओएलईडी डिस्प्ले देखने को मिलता है, जहां पे जो है आपको 120 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। सामने की तरफ जो है पंचोल स्टीयरिंग वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है, जहां पे जो आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लगा कर दिया गया है। बैक की तरफ बात करें तो डुअल कैमरा देखने को मिल जाता है, जहां पर जो प्राइमरी कैमरा वो यूज करा गया है 64 मेगापिक्सल का, जहां पर जो आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी देखने को मिल जाता है। सेकेंडरी कैमरा 13 मेगापिक्सल का जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ में आता है। बैटरी डिपार्टमेंट की बात करें तो बैटरी यहां पर थोड़ा डाउन साइड यूज करा गया है, यहां पर आपको 4020 mAh की बैटरी देखने को मिलती है जो कि टाइप सी पोर्ट के साथ में आता है, एंड यहां पर जो आपको 68 W का फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाएगा, जो कि अच्छी बात है कि 68 W का फास्ट चार्जर यहां पर प्रोवाइड करा गया है। अब प्रोसेसर की बात करें तो दोस्तों यहां पर जो आपको कॉलकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 695 चिपसेट देखने को मिल जाता है, एंड दोस्तों ये चिपसेट है ये 5G मॉडम को सपोर्ट करता है, तो जिसके कारण ये स्मार्टफोन भी जो है 5G बन जाता है। यहां पर जो आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है, 3.5 mm जैक यहां से मिसिंग होगा, डुअल सिम का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, डुअल स्पीकर भी देखने को मिल जाएगा। ऑब्वियस है मोटोरोला का स्मार्टफोन है तो स्टॉक एंड्रॉइड पे आएगा, जो कि एंड्रॉइड 12 को आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा, एंड इस स्मार्टफोन की जो थिकनेस है वो यहां पे 7.75 mm है, इसका जो वेट है वो 155 g का है। ये रही पूरी की पूरी स्पेसिफिकेशन यानी मोटो S30 नियो की। अब चलिए मैं आपसे बात कर लेता हूं सबसे पहले इसके यूरोपियन प्राइसिंग के बारे में। देखिए यूरोपियन कंट्रीज में ये स्मार्टफोन जो है सिंगल वेरिएंट में लॉन्च करा गया है, जो कि निकल करता है 8 GB रैम प्लस 128 GB इंटरनल, सो जिसकी जो प्राइसिंग है यूरोपियन कंट्रीज में रखी गई है 369 €, जिसको अगर हम इंडियन प्राइस में कन्वर्ट करते हैं तो वो निकल करता है तकरीबन 29,500 रुपये। अब दोस्तों देखिए जब ये स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में आएगा तो इसकी प्राइसिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 23-24 के आसपास देखने को मिलेगा, तो 23 रख दे या फिर 24 रख दे, उसी के आसपास आपको प्राइसिंग देखने को मिलेगी। अंडर 20 आपको ये स्मार्टफोन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मोटो G82 2021 के प्राइस में वहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उसके साथ कम्पीट नहीं करना चाहेगी, तो 23 या फिर 24 आप मानकर चलिए कि वही इसकी प्राइसिंग हमें इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगा, और मे बी ऑफर वगैरह लगाकर कुछ कम हमें देखने को मिल जाए। अब बात आती है कि ये स्मार्टफोन कब लॉन्च होने वाला, तो दोस्तों देखिए मोटो S30 Ultra एंड मोटो S30 Fusion वो है 13 सितंबर को लॉन्च होने वाला, ऐसा ऑफिशियली कंफर्म करा गया है। बट अभी तक मोटो S30 Neo का 13 सितंबर को ही लॉन्च होगा, ऐसा इंडियन मार्केट में कंफर्म नहीं करा गया है, बट ऐसा लीक्स और रूमर्स निकल कर आ रही है कि कुछ टाइम में वो भी कंफर्म हो जाएगा कि मोटो S30 Neo भी 13 सितंबर को लॉन्च हो रहा है, या फिर डायरेक्टली उसी दिन जो है मोटो S30 Neo के भी उसके साथ साथ लॉन्च किया जाएगा, ऐसा लीक्स और रूमर्स निकल कर रहे हैं। इसकी कोई भी ऑथेंटिसिटी नहीं है ऑफिशियल मोटोरोला इंडिया के द्वारा, तो ऐसा लीक्स और रूमर्स है। तो बस यही जानकारी थी जो आपको देना चाहता था मोटो S30 Neo से रिगार्डिंग। तो बस फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक तो कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों आपका कोई क्वेश्चन या फिर ओपिनियन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ जा लीजिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे ही एक और नए वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग, बाय बाय।